नमस्ते बालाजी हिंदी ठहरों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस या यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा, ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा, द मैजिशियन, अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है तो द मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत दिनों से कुछ चीज़ों को करने की इच्छा थी, कुछ करना, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि अपने हिसाब से चीज़ों को करें, कोई नया काम, बिजनेस, रिश्ते में विक्ट्री, इन चीज़ों को ये करना चाहते थे, ये अपने तरीके से अपने रूल्स को चलाना चाहते हैं, काम में, जॉब में, बिजनेस में कामयाबी, कुछ नया कुछ करना, कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, तो वो चीज़ उसको उनको मिलने जा रहा है। उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, अबंडेंट मिलने जा रहा है, ग्रोथ, फर्टिलिटी, इन चीज़ों को, जो चीज़ ये बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो उनको मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है यस मैं ये कर सकता हूँ, मेरे हाथ में वो पावर है, वो टूल्स है, यूनिवर्स ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया है और हाँ मैं ही वो बंदा या बंदी हूँ जो ये कर सकता है। इस तरीके के सोच के साथ ये आगे बढ़ रहा है। हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, डिससेटिस्फाइड थे, लेकिन अभी इनमें वो चीज़ नहीं है। करंटली ये बहुत ज़्यादा खुश है अपने कामों से, अपनी परिस्थिति से, अपनी स्टेबिलिटी से, ये अपने आप में ग्रोथ, अबंडेंट, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। रिश्ते में कुछ नया हो जाए, रिश्ते में कोई नए मेहमान आ जाए, पारिवारिक सुख, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ नया करना, जॉब में, काम में, रिश्ते में, हर चीज़ में ये अपने सिक्का जमाना चाहते हैं करंटली, और इसमें ये कामयाब भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा, देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप भी कुछ तो नया करना चाहते हो, आप भी नए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर रहे हो जो कुछ नया हो सकता है करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ नए चीज़ों को आप करना चाहते हो जो आपने पहले नहीं किया, या फिर आपके लाइफ में कुछ नई खुशियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करने के लिए उतावले थे, कुछ
कुछ फैंटासाइज कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे लाइफ में वो चीज़ें आ जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं पेज के कार्ड क्यों आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है लिब्रा, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, साथ ही साथ आप दोनों चीज़ों को रखना चाहते हो, या फिर आप रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो। आप शादी, रिश्ता, परिवार भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइबिलिटीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी में स्टेबिलिटी आ जाए ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है फिनेंशियल अबंडेंट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पास कोई और रिश्ता भी हो सकता है, कुछ लोगों के पास शादी के अलावा भी कोई रिश्ता है, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपका मैरिड लाइफ भी स्टेबल हो जाए और जो और रिश्ते हैं वो भी सही हो जाए। कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वो चाहते हैं देश में लौटना। कुछ लोग पैसे से रिलेटेड कुछ नया काम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। किसी के साथ आप दोस्ती रखना चाहते हो, किसी के साथ पारिवारिक संबंध को मजबूत करना चाहते हो। करंटली आपके दिमाग में दो ही चीज़ें चल रहा है, एक आपके रिश्ते, दूसरा आपके जॉब, पैसे, बिजनेस, स्टेबिलिटी। रिश्ते में जिनके साथ आप प्यार के रिश्ते में हो वो भी, जिनके लिए हैं दो रिश्ते, इनके लिए नहीं है, वो प्यार और परिवार और पैसे में उलझ रहे हैं। जिनके पास दो रिश्ते हैं उनको रिश्ते भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। करंट एनर्जी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है लिब्रा। क्वीन ऑफ वॉन्ड, जैसे कि एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकते हैं, जैसे कि पहले से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बंदा अपने अंदाज में है, अपने तरीके में है, अपने आप को जैसे सबके सामने एक अलग इंसान दिखाना चाहते हैं। ये अपने लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो उसको मिल रहा है, अपने अबंडेंट को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है, फर्टिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये सब कुछ उसको मिल रहा है। वो अपने बारे में सोचने में मगन है, ये चाहते हैं सब कुछ उनके हिसाब से हो, उनके तरीके से हो। माई वे इज़ द हाई वे टाइप की सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और इनको स्टेबिलिटी, अबंडेंस सब कुछ मिल रहा है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है लिब्रा, सेवन ऑफ कप्स स्टार एंड फाइव ऑफ सूट्स के कार्ड। इनके पास तो ऑप्शन है, ऐसा भी हो सकता है कि या तो बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये दिखाई दे रहा है, या फिर आप इसको सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन भी बोल सकते हो, और कभी कभी ये खुद इस वजह से कन्फ्यूजन में है कि इनको करना क्या है। रिश्ते में आके रिश्ते को वापस दोबारा से शुरू करना है, या फिर खुद को रोक के रखना है, या फिर अपने ग्रोथ, अबंडन, काम पर, परिवार पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बंदे भी शादीशुदा हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता है, या फिर आप हो, कोई तो है जो शादीशुदा है, या दोनों के दोनों शादीशुदा है,
तो इनको अभी अपने ग्रोथ, अपने अबंडन, अपने फैमिली, अपने एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन ये कंफ्यूजन में भी है कि पहले तो इन्होंने बहुत कुछ किया था, तो अभी क्या दोबारा से उन चीज़ों को करना है या नहीं करना है, खुद को रोकना है या फिर वेट करना है, क्योंकि इन्होंने मेहनत से सब कुछ कमाया है, पैसे, परिवार, इज्जत, रिश्ते सब, तो इनको यूं तो नहीं गवा सकते। कुछ लोग ईगो की वजह से रुक रहे हैं, रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। कुछ लोग अपने आप को इस वजह से रोक रहे हैं कि ये कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन है, तो ये अपना तरीका अपनाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, अपने तरीके से सब कुछ होगा, जो भी करना होगा भाई तुम्हें हमें मेरे तरीके से करने होंगे, लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थे, हो सकता है अभी ऐसे बन गए हैं या फिर ये हमेशा ऐसे हैं, तो अभी ये खुद को रोक रहे हैं। सामने वाला क्या करेगा फिर मैं उसको करूँगा। और जो इन्होंने पहले बहुत गलत कर दिया था, बहुत ज़्यादा किसी को मौका दिया, तो अभी खुद को रोक रहे हैं। ये लिब्रा आप भी हो सकते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स आ जाते हैं इसके, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं और मेजर अर्कना के ऑलरेडी कार्ड आ ही चुके हैं। अरे यार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे वो सोच रहे हैं आप भी वैसे ही सोच रहे हो। आप भी चाहते हो कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, बेकार की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी नहीं चाहिए। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। थर्ड पार्टी है रिश्ते में, ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह में स्टिक है। आपको भी अपने परिवार चाहिए, उनको भी अपने परिवार चाहिए और रिश्ते भी चाहिए आपके साथ, लेकिन अभी ये ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। लिब्रा, द डेविल, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। आप अपने जगह सही हो, ये अपने जगह सही है, आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट आपके भी हैं, जिसकी वजह से आप अपने अभी आप इस रिश्ते से थोड़ी सी दूर रहना चाहते हो। जो आपके जो एडिक्शन, जो अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन था, उन चीज़ों को आप अभी थोड़ा रुकना चाहते हो, कि आपको ये लग रहा है कि अभी के लिए परिवार इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे इस बंदे को भी लग रहा है। दोनों के दोनों एक जैसे सोचने लगे हो, सिर्फ अपने बारे में, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी, इस तरीके से सोच रहे हो। परिवार, शादी, शादी को बचाना, परिवार बचाना, शादी में स्टेबिलिटी लाना। मुझे लगता है दो ऐसे बंदे इस रिश्ते में हैं जिनका रीडिंग आ रहा है, जो ऑलरेडी शादीशुदा भी है और एक दूसरे के साथ रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं। तो अभी आप अपनी शादी को बचाना चाहते हो लिब्रा, और आपके पर्सन अपनी शादी को, लेकिन एक अट्रैक्शन, एडिक्शन, ये सब कुछ है। नई शुरुआत चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन फिलहाल आप लोग अपने अपने शादी को बचाने में बिजी हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है लिब्रा आपके पर्सन।
बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स, प्यार है, अपनापन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन भी है। देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। सेवन ऑफ कप्स पहले भी आया था, देखो सेवन ऑफ कप्स पहले भी आया था, दो दो बार सेवन ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में, जैसा कि मैंने कहा कि प्यार है, अपनापन है, दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन हर किसी का एक अलग पहचान भी है, ईगो भी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो दोनों के दोनों, जिसकी वजह से कोई किसी के प्यार तो है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, प्यार बहुत है, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो हाई है, जिसकी वजह से कोई किसी को एक इंच भी नहीं छोड़ रहा है। उसको आना है, कंफ्यूजन में है, दोस्ती करना है, दोस्ती रखना है, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, इन चीज़ों से दोनों के दोनों परेशान रहोगे, लेकिन अल्टीमेट जो होना है वो होके रहेगा दोस्ती। कितना भी कंफ्यूजन हो, कितना भी परेशानी हो, प्यार तो है ना रिश्ते में, सोचने में परेशानी हो रहा है कि ये परिवार के साथ बिजी है, ठीक है रहने दो, मैं भी अपने परिवार के साथ बिजी हूँ, परिवार को देख रहा हूँ, लेकिन दिल कहाँ जाएगा, दिल की जो परेशानी है वो ये सब कप्स में निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, लव रिलेशन है, और आपको ये लगेगा कि मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। फिनेंशियल अबंडेंट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये अलग चीज़ है, और प्यार का जो फीलिंग्स है ये अलग है, तो आप इस वजह से एक दूसरे से बहुत दूर तक, बहुत दिन तक दूर नहीं रह पाओगे। अल्टीमेट जो होगा दिल टूटना, अच्छा तुम अभी बिजी हो, ये हो वो करके अल्टीमेट जो होगा रिश्ता दोस्ती में कन्वर्ट हो ही जाएगा। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, थ्री ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड निकल आते हैं ना। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि दुखी रह के, परेशान रह के, इमोशन को छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक्शन ले लीजिए, नई शुरुआत कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी अलग चीज़ है, इमोशनल स्टेबिलिटी अलग चीज़ है, तो एक्शन लीजिए, नया कुछ सोचिए, स्टेबिलिटी लाइए रिश्ते में। अगर आप, जो लोग सिर्फ प्यार में हैं, जो शादीशुदा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्यार में हैं, परेशानी चल रहा है, तो अगर आप सोचते हो कि आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, शादी करना है, रिश्ता बन, तो रुके क्यों हो भाई, एक्शन ले लो, एक दूसरे की तरफ बढ़ो, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ और नए शुरुआत करो, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाओ, जो आप कर सकते हो वो करो। दुखी रह के, डिसअपॉइंटेड रह के, डिससेटिस्फाइड रह के आपको क्या मिलेगा, ईगो दिखा के क्या मिलेगा, आखिर में प्यार ही तो करना है, तो एक दूसरे के तरफ जाइए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और नया कुछ सोचिए, जो आप कर सकते हो, जो आपके रिश्ते के लिए सही है, जो आपके लिए सही है, धीरे धीरे रिश्ता ऑटोमेटिक स्टेबल बन जाएगा। और जो लोग शादीशुदा भी है, रिश्ते में भी, वो खुद को रोक नहीं पा रहे, कोई खुद को रोक नहीं पा रहे, तो खमाका बैठे रहने से क्या फ़ायदा, आगे बढ़िए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।